जो पूरा स्टेप है इसके जड़ में तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से और जो विश्वविद्यालय प्रशासन से इस पर एक SIT का गठन किया जाए और इसकी जांच की जाए कि कुलपति साहब ने उसमें किस परिस्थिति में ऐसा किया और उसके बाद जो ट्रांसफर किया उस पर सारी जाँच की जाए। मैंने इसके लिए RTI भी डाला था लेकिन RTI का कोई खास जवाब नहीं आया मुझे इस पर। प्रथम अपीलीय अधिकारी जो PRO VC साहब है उनके पास भी मैं गया था लेकिन वहाँ से भी सिर्फ मौखिक जवाब आया, विशेष कुछ में लिखित में नहीं दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पोस्टिंग जो हुई है उसकी सारी वैधता की जांच की जाए और इस पर जो भी चाहिए याद उसको सुधार किया जाए और नहीं तो फिर आरोप सही सिद्ध करके उन पर कार्रवाई की जाए। फिर ये बात मैं बिहार सरकार से अपील करता हूँ। आपने छात्रों की अनुपस्थिति की बात किया, क्या छात्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं है? मैं जिस तरह से चाहता हूँ, चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और JNU से पढ़ाई करके आया हूँ, तो जो मेरी इच्छा रही है या जो मेरी आकांक्षा है उस स्थिति से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी निराशा है मुझे यहाँ से, जो कि यहाँ की जो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर क्लासेज होती है, जैसे PG डिपार्टमेंट है या RDS कॉलेज है या मीडियम कॉलेज है, वहाँ क्लासेज स्थिति बहुत अच्छी है। वहाँ गेस्ट फैकल्टी की महीने में 80 क्लासें मिलती हैं उनकी। अब गेस्ट फैकल्टी बहुत ज़्यादा पढ़ा से रहे हैं, हम लोग कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं उस तरह से, निराशा हो रही है। जो यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट है वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की गई है। मैं वही मांग कर रहा हूँ कि वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की जरूरत है तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाता वहाँ पर? फिर कॉलेज में भी PG की पढ़ाई होती है, कॉलेज में RDS में LS में और MDDM में MA हिंदी की पढ़ाई है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट और UG है सिर्फ। एक चीज जो सामने आ रहा है जी, जिसमें बताया जा रहा है कि आप चूंकि छात्र को पढ़ा नहीं पाए इसलिए पैसा नहीं पढ़ा नहीं पाए। छात्र को जिस तरह से छात्र हमसे ज्ञान ले सकते थे, हम जितना लाभ दे सकते थे सोसाइटी को, वो लाभ हम नहीं दे पाए क्योंकि छात्र हमारे पास उस तरह से नहीं आ पाए। 23 लाख की राशि वापस करने के पीछे एक नैतिक तौर पर ग्राउंड है, इसमें कोई मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेकर किसी गर्दन पर लगाना, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। वो लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। हमारे तो सिर्फ एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव मैंने दिया उनको। ये कितने दिन की राशि है? ये 2 साल 9 महीने की है। इतना दिन आप वेट किए? वेट नहीं, मैं लगातार आवेदन दे रहा हूँ कि सर मेरी स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं यहाँ के काम से खुश नहीं हूँ, मेरे पास सारे प्रमाण है उस आवेदन के। लेकिन उन लोगों ने कहा ठीक है सर विचार करते हैं, विचार करते हैं, और हर बार ट्रांसफर होता रहा इस मुद्दे पर। हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार बात होती है। पहले जो कुलपति थे RK मंडल साहब थे, उसके बाद फिर कुलपति कौन बने थे बीच में, कुछ दिन के लिए कोई दूसरे कुलपति थे, फिर बाद में हनुमान प्रसाद साहब आए। तो सर कुलपति सबसे तो ज्यादा मुलाकात नहीं, 2 बार राजकुमार मंडल सर से बात हुई और उसके बाद लगातार रजिस्ट्रार सर से बात होती रही मेरी। इन्होंने कहा कि आपका ट्रांसफर कमेटी की जब भी बैठेगी सबसे पहला फाइल आपका है, आपके फाइल पर किया जाएगा। लेकिन अभी तुरंत MDD में ट्रांसफर हुआ RC कॉलेज सकरा से और मेरे फाइल को इन्होंने फिर से साइड कर दिया। और इसी फिर मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से लेकर के, मुझे गहरा मतलब पश्चाताप है इस बात को कि मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ। नटसेल में क्वेश्चन है जी, पैसा वापसी दबाव बनाने के लिए या छात्रों को आप नहीं पढ़ा पाए इसके लिए? नहीं, पैसा वापसी सिर्फ नैतिक तौर पर है, न दबाव बनाने के लिए, न छात्रों को क्लास, ये मुद्दा नहीं है उस मुद्दे पर। ये सिर्फ मैं अपना तो कह चुकी, यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है पैसा दिया या बिहार सरकार ने जो पैसा दिया ट्रेजरी के माध्यम से, वो पैसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा इसकी स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता, जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूंगा। ये आ रहा है कि कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, कॉलेज बंद थी। नहीं, तो कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला, अपलोड किया मटेरियल, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे पढ़ सकते थे। तो उसमें वेबसाइट पर नंबर, पेपर में नंबर डाला गया मोबाइल नंबर, कि विद्यार्थी जो कंसल्ट करना चाहे कंसल्ट कर सकते थे। कितने छात्र उसमें ज्वाइन करते थे? और क्लास में तो उस तरह से ज्यादा नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन कंसल्ट करने में 4-5 विद्यार्थी कंसल्ट किया करते थे फोन पर, बाकी वो लोग अपना डाउनलोड करके PDF मटेरियल पढ़ते थे। उसमें शुरू में तो सर 1-1.5 महीने मुझे कॉलेज को समझ नहीं लगा कि यहाँ के क्या सिस्टम है कैसे है। उसके बाद से मुझे दिक्कत लगा, तब तक फिर कोरोना का आ गया। कोरोना के बाद जब कॉलेज खुली तब मुझे लगा कि सामने से नहीं तो चैलेंज वास्तविक है यहाँ की। फाइनली क्या मांग है आपकी? फाइनली मेरी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे आवेदन पर कृपापूर्वक विचार करे और मुझे कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफर करें जहाँ पर मैं पढ़ाई दे सकूँ। अच्छी जगह मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई कहीं सैलरी का कोई अंतर नहीं है, शहर में सब जगह सैलरी बराबर है। प्रिंसिपल को लिख के दिया था क्या कि हम ट्रांसफर चाहते हैं? नहीं, प्रिंसिपल साहब से मैं, चूंकि यूनिवर्सिटी में हमारी अपॉइंटमेंट 24 सितंबर 2019 को हुई, 25 सितंबर को मैं रजिस्ट्रार साहब के पास ज्वाइन किया, योगदान दिया वहाँ पर, और उसी समय से मैं लगातार आवेदन रजिस्ट्रार साहब को दे रहा हूँ। तो चूंकि मैं यहाँ ज्वाइनिंग से पहले दिया हूँ इसलिए मैं उसी कंटिन्यूटी में लेटर दे रहा हूँ, यहाँ से नया लेटर मैंने नहीं जारी किया है, क्योंकि मेरा सीधा संपर्क अपॉइंटमेंट अथॉरिटी से है। राजभवन जाने की भी तैयारी है इस मुद्दे को लेकर? कहाँ? राजभवन भी जाने की तैयारी है इस मुद्दे को? बिल्कुल, राजभवन के यदि नहीं सुना जाता है तो राजभवन जाऊंगा, फिर हाईकोर्ट में जा सकता हूँ। हाईकोर्ट से जो पोस्टिंग हुई है उसकी वैधानिकता को मैं चुनौती दूंगा फिर उसको। कितनी राशि आपने वापस की? 23,82,228 रुपये। कितने दिनों का? 2 साल 9 महीने। कैसे दिया? किस माध्यम से? चेक से मैंने दिया है, लेकिन उन्होंने चेक से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी बात को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं चेक को, लेकिन चूंकि चेक डॉक्यूमेंट का मामला सुरक्षित होना चाहिए, इसे अपने पास रखिए, जब कुलपति साहब ऑर्डर देंगे कि हाँ ले लिया जाए तो आपसे हम स्वीकार कर लेंगे। फिर अभी उन्होंने उसकी कॉपी ले ली सिर्फ।